अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नूर फातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूं तुर्किश डिलाइट चिकन। तो साथ में इसके हम साइड डिश भी बनाएंगे, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। और ग्रीक सैलेड भी बनाएंगे। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो चलें चिकन को मैरिनेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बॉल ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी 5 मैंने गार्लिक लिए थे, उसका पेस्ट बना लिया था, तकरीबन 1 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट है। और 2 टेबलस्पून मैंने टोमेटो पेस्ट ली है रेडीमेड जो होती है, इसके साथ अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून दही डालेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करके रखना है। और अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। और 1 टीस्पून नमक डालेंगे हम इसमें, और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, ये कलर के लिए यूज होता है। और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स नहीं है तो रेड चिली पाउडर भी आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 टीस्पून भर के मैंने जीरा लिया है और उसका पाउडर बना लिया है, तो ये हम इसमें डाल देंगे। अब अच्छी तरह से मैरिनेशन को हमने मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो रेड फूड कलर भी इसमें डाल सकते हैं ताकि अच्छा सा इसमें कलर आ जाए। अब अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, तो देखिए मैरिनेशन को मैंने मिक्स कर लिया है, तो मैं इसमें 1 ड्रॉप ऑरेंज फूड कलर का डालूंगी, ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा इसमें अच्छा सा कलर आ जाता है, इस वजह से मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें चिकन डालेंगे और चिकन डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। वैसे इसको अवन में बनाया जाता है, लेकिन मैं विदाउट अवन आपको बनाना सिखाऊंगी ताकि हर कोई आसानी से अपने घर में इसको बना सके। अब मैंने देखिए इसमें चिकन डाल दिया है और अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बारीक पीसेस मैंने कट किए हैं चिकन के, 1 किलो मैंने चिकन लिया था। अब अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, हाथ की मदद से भी हम इसको मिक्स कर सकते हैं। मैं इसको अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आप देखिए कितना अच्छा इसका कलर बन गया है। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करके 2 से 3 घंटे मैं इसको मैरिनेट होने दूंगी। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं, तो मैं 2 से 3 घंटे इसको मैरिनेट होने दूंगी। आप फौरन भी इसको बना सकते हैं। अब जो हमने तुर्किश चिकन के साथ साइड डिश बनानी है, तो 2 तरह की बनाऊंगी, 1 मैं पनीर के साथ बनाऊंगी, 1 मैं पोटैटोस के साथ बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैंने देखें 300 ग्राम होममेड पनीर लिया है और उसको इस तरह से देखें क्यूब्स बना लिए हैं। 2 लीटर मैंने दूध लिया था, उसमें टाटपी डाल के मैंने इसका पनीर बना लिया। और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो 2 नींबू का रस लिया है, 2 टेबलस्पून लेमन जूस और 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी, ये 1 टीस्पून है इसलिए मैं थोड़ा डाल रही हूँ। और 1/2 टीस्पून हम इसमें पेपरिका डालेंगे कलर देने के लिए। पहले अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसमें पनीर डालेंगे। तो अब देखें मैं इसमें पनीर डालूंगी और बहुत ही हल्के हाथों के साथ हमने पनीर को मिक्स करना है ताकि पनीर टूटे ना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। इसको भी हम मैरिनेट करके रख देंगे, बहुत मजे की डिश बनेगी। तो अब हल्के हाथों के साथ मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आप अगर इसको चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको भी मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जब तक सारी चीजें मैरिनेट हो रही हैं, तब तक मैं वेजिटेबल्स कट कर लूंगी, क्योंकि हमें इसमें वेजिटेबल्स भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं कैप्सिकम को कट कर लूंगी। देखिए इस तरह से हमने क्यूब्स में कट कर लेने हैं। मैं 3 कैप्सिकम यूज करूंगी, अभी मेरे पास 2 हैं, बाकी और मैंने मंगवाई है, जैसे ही वो आएंगी तो उनको भी मैं कट कर लूंगी। तो अब अच्छी तरह से इनको भी कट कर लेती हूँ मैं। इसका व्हाइट पार्ट हम रिमूव कर देंगे। ये जो हम एक और साइड डिश बनाएंगे पोटैटो के साथ, हम इसमें इसको यूज करेंगे। अच्छा, तो देखिए साथ में मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं और उसके सीड्स देखें रिमूव कर लिए हैं। तो इसको भी हम इसी तरह से क्यूब्स में कट करके डालेंगे। अगर आपके पास और कलर की हो, रेड कलर की हो, तो आपने वो डालनी है, क्योंकि हमने इसको कलरफुल बनाना है। मेरे पास ग्रीन ही है, इधर ग्रीन ही मिलती है, तो इसलिए मैं ग्रीन यूज कर रही हूँ। अब अच्छा, तो अब देखिए मैंने 5 आलू ले लिए हैं, स्मॉल साइज के ये हैं। तो अब देखें इनको मैंने इस तरह से पहले कट किया है,
अब हम इसके क्यूब्स बनाएंगे। बहुत ज्यादा हमने बड़े नहीं बनाने, वरना ये गलेंगे नहीं। तो अब अच्छी तरह से देखें, मैं इनके क्यूब्स बना लूंगी इस तरह से। अब हम पोटैटो की जो साइड डिश बना रहे हैं उसको मैरिनेट करेंगे। तो पोटैटोज ले लिए हैं, 5 स्मॉल साइज के थे, इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून भरकर मैंने पेपरिका पाउडर लिया है और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं और 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, ताकि अच्छी तरह से इस पर सारे मसाले लग जाएं। और ये देखें 1/4 टीस्पून ओरेगनो और इस तरह से देखें रोजमेरी हर्ब होता है, ये मैंने लिया है, रोजमेरी के लीव्स बोलते हैं इसको। इस तरह से आपने इनको तोड़ के थोड़ा सा डालना है। तो अब ये इसमें डाल देंगे, मैं इसको रोजमेरी का फ्लेवर दे रही हूँ, आप चाहें तो सिर्फ ओरेगैनो का भी दे सकते हैं। और साथ ही हम इसमें जो हमने शिमला मिर्च रखी थी ये डालेंगे, देखिए कितना कलरफुल सा लग रहा है। और हरी मिर्च डाल देंगे और अब अच्छी तरह से मैं इन सारी चीजों को मिक्स कर लूंगी। अगर आपको लगे कि कोई भी मसाला कम है तो आप और भी डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब हम रेसिपीज को कुक करना शुरू करते हैं। तो देखिए पैन ले लिया है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। तो अब मैं इसमें आलू जो हमने मैरिनेट करके रखे थे, पहले मैं आलू डालूंगी, पानी नहीं डालेंगे। और शिमला मिर्च और हरी मिर्चें मैंने इनमें से निकाल ली है। आलू डाल के पहले हाई फ्लेम पर मैं 2 मिनट इनको फ्राई करूंगी, अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है। उसके बाद हमें जो लेफ्ट ओवर मैरिनेशन वाला पानी है वो हम इसमें डालेंगे और इसको स्टीम में कुक होने देंगे। तो अच्छी तरह से अब मैं इनको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी हाई फ्लेम पर। 2 मिनट मैंने इनको फ्राई कर लिए हैं, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है जो हमने इसमें रोज मैरी डाला है। तो अब देखिए इसमें जो मैरिनेशन हमने रखी थी ये सारी इसमें डाल देंगे, क्योंकि सारा टेस्ट इसी के अंदर है। तो अब मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर दिया और अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके स्लो फ्लेम पर हम इसको स्टीम में पकाएंगे, ताकि आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, इनकी शेप हमने खराब नहीं करनी। अब हम चिकन को कुक करेंगे। तो देखिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। तो अब हम इसको इसमें चिकन डाल देंगे। तो इस तरह से हाथ की मदद के साथ हम इसमें एक एक करके चिकन को डाल देंगे। देखिए चिकन हमने इसमें डाल दिया। अब हाई फ्लेम पर पहले चिकन का हम कलर चेंज करेंगे दोनों साइड से, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके कुक करेंगे। दोनों साइड पर देखिए कलर चेंज हो गया है, व्हाइट हो गया है, दोनों साइड से मैंने इसको कुक किया है हाई फ्लेम पर। तो अब देखिए जो मैरिनेशन बच गया था उसमें मैंने 1/2 कप जितना पानी डाला है, ताकि कोई भी चीज जाया ना जाए। अब हम इसमें ये पानी डाल देंगे। बहुत ज्यादा पानी आपने नहीं डालना, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करके भी रखा था और ये बोनलेस चिकन है तो ये जल्दी गल जाएगा। तो अब हाई फ्लेम कर दूंगी ताकि इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाए, फिर हम इसको भी कवर करके स्टीम में कुक कर लेंगे। अब देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, तो मैं इसको कवर कर दूंगी और स्लो फ्लेम करके हम इसको इतना पकाएंगे कि चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए, अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गल जाए और पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तब देखिए मैंने इनको चेक किया है, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं। तो अब हम इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे और थोड़ा सा हम इसको कुक कर लेंगे, ताकि जो हमने इसमें मिर्ची और कैप्सिकम डाली है वो भी थोड़ा सा पक जाए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। देखिए पोटैटो फूल से ग्रेडी हो गए हैं, तो अब इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और जब हम सर्व करने के टाइम इसको गर्म करेंगे उस टाइम हम इस पर एक लेमन का जूस डाल देंगे। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखिए चिकन को हमने पकने के लिए रखा था, देखिए अच्छी तरह से इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ऑयल भी निकल आया है, चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो बस अब चिकन रेडी है, अब इसका भी फ्लेम ऑफ कर देंगे।
अब हम ग्रीक सैलेड बनाएंगे। सैलेड हम लास्ट में बनाएंगे। तो दो क्यूकम्बर ले लिए थे, उनको देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। दो टमाटर लिए थे, उनके सीड रिमूव किए हैं और इस तरह से मैंने कट कर लिया है। और 1/4 कप ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं। आपके पास है तो डालें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने कॉटेज चीज लिया है, पनीर लिया है और उसको इस तरह से देखें कट कर लिया है, तोड़ लिया है हाथ के साथ। और 1 स्प्रिंग अनियन लिया है मैंने और 1 लेमन का जूस लिया है 1 टेबल स्पून जितना। और हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। अब हम इसको मिक्स करते हैं सारी चीजों को। अब देखिए बॉल में मैं लेमन जूस डाल दूंगी और साथ ही हम इसमें ये स्पाइसेस डाल देंगे सारे। और 1 टेबल स्पून इसमें ऑलिव ऑयल भी डालेगा, मैं वो डाल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। सैलेड की ड्रेसिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, ऑलिव्स डाल देंगे, क्यूकम्बर डाल देंगे, हरा प्याज डाल देंगे और ये मैं लास्ट में डालूंगी। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। बहुत लाइट सा सैलेड रेडी होगा, बहुत ज्यादा आपने स्पाइसेस इसमें नहीं डालने। अब देखिए मैं लास्ट में इसमें पनीर डाल दूंगी जो हमने रखा था और हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे ताकि हर चीज नजर आए। तो हमारे ये सैलेड बिल्कुल रेडी हो गया है, ग्रीक सैलेड। अब हम लास्ट में पनीर कुक करेंगे। तो देखिए 3 टेबल स्पून ऑयल मैंने लिया है, गरम कर लिया है। तो अब मैं इसमें एक एक करके पनीर रखूंगी और इसको दोनों साइड से हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा ऑयल में हमने इनको फ्राई नहीं करना। देखिए हाई फ्लेम पर पनीर को दोनों साइड से मैंने कलर दे दिया है, अब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गरम गरम तुर्किश डिलाइट चिकन साइड डिश हमने पोटैटोज बनाए, पनीर बनाया और ग्रीक सैलेड बिल्कुल रेडी हो गया है। आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपको पसंद आएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, नूर.फातिमा.शेख पर। अल्लाह हाफिज़।